जय श्री कृष्णा फ्रेंड्स, राधे राधे, ओम नमः शिवाय। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बेलपत्र के पौधे के बारे में बताऊंगी और आज मैं एक बेलपत्र का पौधा लगाऊंगी भी। फ्रेंड्स, आप तो जानते ही हैं कि सावन का महीना चल रहा है और भोले बाबा को बेलपत्र अति प्रिय है। अगर यह बेलपत्र भोले बाबा पर चढ़ाने से उनकी विशेष कृपा प्राप्त हो सकती है और वह बहुत प्रसन्न हो सकते हैं, तो सोचिए अगर हम सावन के महीने में बेलपत्र का पौधा लगाएं तब भोले बाबा कितने प्रसन्न होंगे। सावन के महीने में बेलपत्र का पौधा लगाने से लक्ष्मी माता की विशेष कृपा प्राप्त होती है। फ्रेंड्स, आज मैं एक छोटे से गमले में एक बेलपत्र का पौधा लगा रही हूँ और मैं इसे छोटे गमले में इसलिए लगा रही हूँ ताकि यह जब बड़ा होने लगे तब मैं इसे मंदिर तक आसानी से लेकर जा सकूँ। जब यह डेली बेलपत्र शिव जी पर चढ़ाते हैं तो माँ लक्ष्मी का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है और वह बहुत प्रसन्न होती हैं, इसलिए आज हम बेलपत्र का पौधा लगा रहे हैं। बेलपत्र का पौधा लगाने के लिए मैंने एक गमला ले लिया है, इसमें थोड़ी सी मिट्टी रख ली है। अब मैं इस मिट्टी की पूजा करूँगी सबसे पहले, क्योंकि जब भी कोई पूजा का पौधा मैं लगाती हूँ तो हमेशा पहले मैं मिट्टी की पूजा करती हूँ। सबसे पहले मैंने हल्दी चावल से मिट्टी की पूजा कर ली। अब इसके बाद मैं पौधे को उठाऊंगी और जो मार्केट से जब मैं लेके आई तो ये पॉलीथिन के अंदर था, तो मैं इसको पॉलीथिन से पहले बाहर निकालूंगी आराम से, ताकि इसकी जड़ों को भी कोई नुकसान ना पहुँचे और बहुत आराम से मैं इसको मिट्टी में लगा दूंगी। फ्रेंड्स, बेलपत्र का पौधा सभी प्रकार की विघ्न बाधाओं से मुक्ति दिलाती है, इसलिए हमें अपने घर में बेलपत्र का पौधा जरूर लगाना चाहिए। बस इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि यह सूखने ना पाए। जब यह बड़ा होने लग जाए और आपको लगे कि अब यह गमले में नहीं चल पाएगा तब आप इसे किसी मंदिर में लगवा दीजिए या किसी सुरक्षित जगह पर लगवा दीजिए और आप कोई दूसरा बेलपत्र का छोटा पौधा अपने घर में लगा लीजिए। बेलपत्र का पौधा लगाने से घर में बहुत पॉजिटिव एनर्जी आती है और जो खराब शक्तियाँ होती हैं, नेगेटिव एनर्जी होती है, वह घर में कभी भी बास नहीं कर सकती है। फ्रेंड्स, जैसे हम अपने घर में तुलसी की पूजा करते हैं और उन्हें एकादशी और रविवार के दिन नहीं तोड़ते हैं, वैसे ही बेलपत्री को भी सोमवार, चतुर्दशी, संक्रांति, अष्टमी और अमावस्या को नहीं तोड़ना चाहिए और तुलसी की ही तरह प्रतिदिन इसकी पूजा करना चाहिए। हम शालिग्राम भगवान की तुलसी माता के साथ पूजा करते हैं, वैसे ही शिवलिंग को अगर बेलपत्र के पौधे के नीचे बिठाकर जल चढ़ाएं तो उसका हजार गुना फल है। अब मैं बेलपत्र के पौधे की पूजा कर रही हूँ। हमारे पुराणों में लिखा है, मूल तो ब्रह्म रूपाय, मध्य तो विष्णु रूपिणे, अग्रतः शिव रूपाय, बिल्व वृक्षाय नमो नमः। अर्थात बेलपत्र के जड़ में ब्रह्मा जी का वास है और मध्य में विष्णु भगवान का और सबसे ऊपर अग्रभाग में शिव भगवान का वास है, इसलिए बिल्व वृक्ष में तीनों देवताओं का वास है, इसलिए यह बहुत पूजनीय है। इसको सावन के महीने में आप सभी लोग जरूर लगाइए। अब मैं इनको वस्त्र समर्पित करूंगी। वस्त्र के रूप में मैं इनको कलावा बांध देती हूँ। फ्रेंड्स, हमारी शिव पुराण कहती है कि जिस स्थान पर यह बेलपत्र का पौधा होता है वह स्थान काशी तीर्थ के समान पवित्र हो जाता है। अगर आप को घर में नहीं लगा सकते हैं तो अपने पास के किसी मंदिर में इस पौधे को सावन के महीने में अवश्य लगा दीजिए। बहुत पुण्य प्राप्त होगा। जब मंदिर में जब लोग जल चढ़ाने आएंगे और इस बेलपत्र पर जब वह जल चढ़ाएंगे तब आपको इसका बहुत पुण्य प्राप्त होगा। जब जब उसकी कोई पूजा करेगा उसका आधा फल आप तक पहुँचेगा, इसलिए आप मंदिर में एक पौधा जरूर लगा कर आइए। मैंने भी अपनी सोसाइटी के मंदिर में एक साल पहले बेलपत्र का पौधा लगाया था और अब बहुत अच्छा लगता है उसको देखकर। जब सब लोग उसकी पूजा करते हैं, उस पर दीपक जलाते हैं, मुझे बहुत प्रसन्नता मिलती है। आप भी ऐसा करके देखिए, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। बहुत शुभ होता है हमारे घर में जब हम इसमें डेली शाम को दीपक जलाएंगे तब बहुत अच्छा लगेगा आपको। तुलसी माता को दीपक जलाइए, बेलो वृक्ष को भी दीपक जलाइए, आपका घर सुख समृद्धि से भर जाएगा। तो उनकी पूजा भी कर ली है। अब आप बताइए आप कब इस पौधे को अपने घर पर ला रहे हैं, और जल्दी से जल्दी लाइए क्योंकि सावन का महीना जाने वाला है। और आप बताइए आपको यह वीडियो कैसा लगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।